सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जय माता दी, मैं सुधा भारद्वाज कालका जी मंदिर की पुजारी परिवार से हूँ। जय माता दी वेलफेयर सोसाइटी और श्री कालका माँ धर्मा ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आज आप सभी भक्तों के अनुरोध पर मैं आपके समक्ष माँ का इतिहास बताना चाहती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और महामाई का दर्शन कर पा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिले। दस महाविद्याओं में से हैं महाकाली और महाकाल। महाकाल और कालका माँ के मंदिर से ही काल गणना की जाती है। अगर काल गणना कहें तो माँ का जो पंचांग घड़ी तिथि मास पल, उनका जन्म यहीं से होता है। पूरे विश्व में एक यही मंदिर है जिसके 12 दरवाजे हैं। 12 राशियों का जन्म यहीं से हुआ, 27 नक्षत्र का जन्म भी यहीं से हुआ। जो बाहर परिक्रमा में 36 दरवाजे हैं तो 36 वर्णमालाओं का जन्म भी यहीं पे हुआ। अष्टकोण और तांत्रिक विधि से बना हुआ ये मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय में माँ का आह्वान किया था पांडवों को विजय प्राप्त कराने के लिए। माँ ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, पांडवों की विजय प्राप्त हुई महाभारत में, और उनको आशीर्वाद देने के बाद माँ यहाँ पर पिंडी रूप में समा गई। वही पिंडी जिसका आप और हम दर्शन करते हैं। सदियों से यहाँ अखंड जोत चलती है, सभी भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि अष्टकोण और तांत्रिक विधि से बना हुआ ये मंदिर है तो यहाँ पे की गई साधना हजार गुनी फलदायिनी है। मैंने स्वयं अपनी आँखों से अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए और जिनकी गोद सूनी थी उनकी गोद भरते हुए स्वयं देखा है। तो वैसे इतने चमत्कार मेरे जीवन में मैंने माँ के देखे कि मैंने 38 साल हो गए अपने जीवन को परमार्थ को समर्पित कर दिया। मेरा जीवन आज स्वयं मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि माँ ने जो मुझे आज आप सब लोगों के समक्ष भेजा है, ये माँ का ही आदेश है कि मैं माँ का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचा सकूँ। जब 2010 में मैंने पहली बार कुंभ लगाया तो लोगों ने कहा कि ये कौन सी माता है, जयकाली कलकत्ते वाली। तब उनको बताया गया कि रानी पद्मावती ने स्वप्न दिखाई दिया था कि रानी मेरा मंदिर बनवा वरना मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगी। तो महाकाली का मंदिर बनवाया गया कलकत्ते में, जिसके स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वयं पुजारी रहे और उन्होंने अपनी साधना से, अपने प्यार से माँ को जागृत किया। लेकिन भक्तों, यहाँ पे किसी ने माँ को जागृत नहीं करा, यहाँ माँ स्वयं विराजमान है। आप देखते हैं वैष्णो देवी के अंदर तीन पिंडियाँ हैं, महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती। लेकिन यहाँ आप उन तीनों का दर्शन माँ की इसी एक ही पिंडी में करते हैं। माँ कालका इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल इनके चरणों में रहता है और माँ के जो भी भक्त माँ की पूजा करते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जिस सूर्यकूट पर्वत पर आज हम बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ कि इस सूर्यकूट पर्वत पर सूर्य की पहली किरण माँ के चरणों पर पड़ती थी। और वारामीर का, क्योंकि आज तो विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक सर्च करते हैं, लेकिन उस समय में कोई रिसर्च सेंटर नहीं होता था। वैद्यशाला है वारामीर की, भगवत देवी पुराण, उसमें सभी में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि जो ये माँ का रूप है, काल का कहा जाता है क्योंकि काल चरणों में है, लेकिन माँ का जो स्वरूप आपने दर्शन किया है ये कौशिकी रूप है। जिस समय रक्त बीजासुर का वध किया गया था तो माँ इतने क्रोध में हो गई थी कि देवताओं और राक्षसों को अपने मुंह में भक्षण करने लगी थी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं शंकर भगवान को उनके चरणों में लेटना पड़ा। तो यहाँ जो पुजारी हैं, जिस समय वो माँ की पूजा करते हैं तो माँ के उस क्रोध रूप से तो वो भी डरते हैं। वो कहते हैं माँ शांत हो जा, शांत हो जा, क्योंकि माँ का वो दिव्य स्वरूप, माँ कौशिकी का इतना भयंकर था कि नीचे का होठ पृथ्वी और ऊपर का होठ आकाश, और जो माँ की जिव्या थी वो 16 योजन लंबी थी, जिस पर रक्त बीजासुर की एक भी लहू की बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया। क्योंकि राक्षस को वरदान था कि जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरेंगी वहाँ वहाँ हजारों राक्षस पैदा होंगे। तो उसका भक्षण करने के बाद माँ स्वयं यहाँ शांत रूप में विराजमान है। जिस समय ग्रहण में मंदिर बंद होता है, लेकिन एक महाकाल उज्जैन और ये कालका जी मंदिर, आज तक ये मंदिर बंद नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे साक्षात महाकाली और साक्षात महाकाल सदैव रहते हैं। आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो भी वक्त यहाँ पे केवल तीन चीज़ें लेके आया है, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। श्रद्धा तो है,
लेकिन विश्वास नहीं है कि उसका किया है, पता नहीं मेरा करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और समर्पण भी है। तो जो ये तीनों दौलत लेकर के जाता है माँ, उनकी कैसी भी मनोकामनाएं हों सभी पूर्ण करती हैं। Oh,
जो छतरपुर मंदिर है वहाँ के जो बाबा नागपाल थे उन्होंने भी स्वयं सिद्धि यहीं पे प्राप्त की थी। वे सिद्धि स्वरूपा माँ केवल अपनी प्यार श्रद्धा भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर के सदैव कल्याण करती है और इस कलयुग में हर जीव का कल्याण करती है। आपने देखा कि हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्त आते हैं, कितनी दूर दराज देश विदेश से यहाँ पर भक्त आते हैं क्योंकि उनकी सभी की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि जो भी भक्त जिसकी कोई भी इच्छा हो आजमाने के उद्देश्य से नहीं माँ को प्यार करके माँ के चरणों तक पहुँचे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से इस दरबार से कोई भी खाली झोली नहीं गया। इसीलिए यहाँ पर सदैव भक्तों का तांता लगा रहता है। मंगलवार शनिवार रविवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भक्तों की क्योंकि ये माँ के मन्नत के दिन हैं, सप्तमी और अष्टमी। तो आपने जिस तरीके से आज मुझे माँ का इतिहास बताने के लिए ये मौका दिया, आप सबके आशीर्वाद के और माँ से मनोकामना पूर्ण होने का मैं माँ से अर्जी लगाऊंगी कि आपका ये चैनल देश विदेशों में माँ के इस इतिहास को बताए क्योंकि लोग भ्रमित हैं। कोई कहता है कि यहाँ महंत हैं, कोई कहता है कि यहाँ पे पीठ है, लेकिन ना तो यहाँ कोई महंत है और ना यहाँ पे कोई पीठ है। यहाँ पे 5,000 पुजारी हैं जो कि हर महीने महंत हैं। पीठ इसलिए नहीं है क्योंकि पीठ वहाँ कहा जाता है जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यहाँ तो माँ स्वयं विराजमान है। तो माँ 24 घंटे अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान है। आप सभी आएं, आके माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सबको आशीर्वाद मिले। जय माता दी।